अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अरुण, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिया करें, सपोर्ट करें, ठीक है। दोस्तों आज 27वां रोज़ा है और रमज़ान एंड लग गया है, ठीक है। रमज़ान ख़त्म होने लगा है, मेहमान है, ठीक है। मौसम आज बहुत ही ज़बरदस्त है, बारिश हुई है रात को टका के, अभी भी बादल बने हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त मौसम है। लोग बाज़ारों में घूम रहे हैं, ईद की शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। आप सब भाइयों की शॉपिंग हो गई है? अगर हो गई है तो कमेंट करें, बताएं कि वाकई शॉपिंग कर लिया, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने तो शॉपिंग कर लिया, कपड़े वगैरह ले लिए हैं। हमने भी आज बाज़ार जाना है, कोई कपड़े वगैरह लेने हैं, कोई शॉपिंग करनी है। लड़के हैं, लड़कों ने भी जो है ना आज जाना है बाज़ार, कपड़े शपड़े लेने हैं, शॉपिंग वगैरह करनी है। सुनाए सब ईद की शॉपिंग कैसी है? सब की कंप्लीट हो गई है। दोस्तों ईद के दिनों में पैगाम है आप सब लोगों के लिए कि ईद के दिनों में अपने आसपास के लोगों को, अपने भाइयों को भी देखा करें। कोई आपका दोस्त गरीब है, कोई आपका भाई गरीब है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए भी अल्लाह पाक का हुक्म है कि जैसी आप अपने लिए चीज़ पसंद करें वैसी अपने भाई के लिए पसंद करें, ठीक है। अपने मुसलमान भाई के लिए, कोई भी आपका मुसलमान भाई गरीब है, अगर आप इस्तात रखते हैं तो उनकी मदद करें, ठीक है। उनके लिए कपड़े लें, तोहफे लें। नबी पाक को ये बात बहुत पसंद थी, तोहफे तहफ देना नबी पाक को बहुत पसंद था, ठीक है। तो ईद में दो या तीन दिन रह गए, दो या तीन दिन बाद ईद है और लोगों की तैयारी ज़ोरों शोर से शुरू है। लोग बाज़ारों में रश लगा हुआ है, इतने ज़्यादा मौसम आज ज़बरदस्त है, बादल बने हुए हैं, रात को टका के बारिश हुई है। ये देखें जी बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश है, गेमा गेमी है, ईद की शॉपिंग के लिए लोग निकले हुए हैं, ईद की तैयारियां कर रहे हैं ज़ोरों शोर से। ये देखें जी स्टार बाई न्यूज़ सुन रहे हैं, ये फ़र्क खोखर साहब का इंटरव्यू हो रहा है। न्यूज़ नहीं है, एक वैसे ही इंटरव्यू था, कल कोई इफ्तारी का प्रोग्राम किया हुआ था। इफ्तारी का इंटरव्यू था, नीचे तो सुल्तान साहब आ गए। बड़े बड़े लोग अजीब बन जाते हैं यार। सुल्तान देखें, ये ड्रामा देखा करें, अभी तो एंड पे हो गया। सुल्तान अब्दुल हमीद वाला ड्रामा कौन देखता है? स्टार बाई का मैं तो लाजमी देखता हूँ जी यार, बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है। मैं तो कहता हूँ उसकी सियासत की बात है। अंबर साहब क्या हुआ है मोबाइल को? अंबर साहब का मोबाइल ख़राब हो गया था, मोबाइल में पानी चला गया, बेचारे परेशान हो गए, ठीक है, सीधे चले गए सदर है। क्या मसला था? हो गया था तो पहले तुमने मुझे बोला है कि इसने सफाई की है, नहीं हुआ था उससे? कौन सा क्या मसला क्या था सर? सर वो तमूर साहब ने ना, मैं सोया हुआ था पीछे, वो पानी गिरा दिया। तमूर में पानी गिरा, तमूर पे इल्ज़ाम ना लगा, ये बात नहीं है। ये मेरी पॉकेट में था मोबाइल तो पानी गिरा। अनय जी ये बंदा पूछे इसे कि बंदा सोते हुए मोबाइल जेब में डाल के सोता है? हाँ ये भी बात सही है, इतनी पर्सनल कौन सी चीज़ है? अच्छा अंबर ईद की शॉपिंग हो गई है? क्या वजह यार ईद की शॉपिंग कर लो, तनख्वाह ले चुके हो ना, सबसे पहले तनख्वाह तुम ली है, ये माह तो ख़त्म होगा तो मिलेगी ना, सबसे पहले तनख्वाह तुमने ली है, देख ये ज्यादती है। इस बार ईद कितनी होनी चाहिए ये तो? अभी साहब हमें तनख्वाह ही दे दे तो बड़ी बात है, तनख्वाह तो अभी इंशाल्लाह तनख्वाह तो आपके लिए ईद भी मिलेगी, तनख्वाह भी मिलेगी। ये बताएं ईद कितनी होनी चाहिए आपकी? हमें तनख्वाह मिल जाए बड़ी बात, कम से कम 5,000 होनी चाहिए, लेकिन मिलनी जा रही है। अभी तनख्वाह भी मिल जाएगा तो बढ़िया, ठीक है। एडवांस एडवांस ही सोचने पड़ रहे हो। कश्मीरी भाई के बारे में क्या ख्याल है? सोएब साहब इस बार ईद कितनी दूं आपको? इस बार ईद कितनी दूं आपको? ठीक है, सोएब को 5,000 रुपया ईद मिलेगी, उसने बोला है, स्टार ने बोला है नहीं चाहिए उसको, नहीं मिलेगी। मुझे आप तनख्वाह ही दे दे पड़ी, नहीं आपको तनख्वाह मिल जाएगी लेकिन बाकी सबको जो है ना ईद मिल जाएगी। आज ठाई होगी, ठाई परसों ईद है, तनख्वाह। ये देखें जी बेबी मिल्क, हमारे बचपन में बेबी मिल्क का कंसेप्ट ही नहीं था, ये देखें
ढेर लगे हुए हैं, आजकल इनके बगैर गुजारा ही नहीं है। ये एग्जाई फार्मूला होता है, नेचुरल नहीं होते, कोई भी बेबी मिल्क नेचुरल नहीं होता, एग्जाई फार्मूला होता है। कोशिश क्या करें कि अपने बेबी को नेचुरल फीड कराया करें, या नेचुरल बकरी का या गाय का ये मिल जाए आपको अच्छा दूध तो वो बेहतर है, इनसे जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतर है। शाम का टाइम है कि बादल बने हुए, लोगों के मगे में देखें चक्कर लगाइए थोड़ा। देखें जी बाजारों की रौनक, वाह जी वाह। हस्ते तुम और इधर ही रहो, साइड करो, इधर ही रहो। बाजारों में जी चहलकदमी देखें, रौनक देखें, चूड़ियां देखनी है यार। चूड़ियों का स्टॉल है भाई, यार 3 साल की बच्ची है उसके लिए चूड़ी जी, 3 साल की बच्ची
ये वाली है लाइन, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप पसंद आई तो कर पूरा बाजार हम घूम के आ गए, एक भी चीज़ हमें सही नहीं नज़र आई, लेकिन लोगों का इतना रश है ना, रश में शॉपिंग बना कर भी नहीं सकता। लोग निकलना शुरू हो गए, अभी राजा बाजार तो बहुत ज़्यादा रश होगा, मोर राजा बाजार से ज़्यादा रश होता है ना, बाड़े में इस टाइम निकलने की आगे पीछे जाने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है। ओके जी, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।